हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका रियल देसी। तो भाई, आज का मेरा वीडियो, एक लड़के ने कमेंट किया था कि भाई आपने कंपनी चेंज क्यों किया, ठीक है, तो उसके बारे में वीडियो बना दो। ठीक है भाई, अभी मैं दिखाता हूँ। अभी रात के 12 बज के 48 मिनट हो चुके और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी वीडियो करते हैं इधर से शुरू। मैं अभी तक ड्यूटी से आया, ठीक है, बस आया, नहाया, आके खाना खाया। खाना खाने के बाद अभी रूम में सब सो गए, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी, मेरा ड्यूटी थोड़ा लेट था, 12 बजे तक था, तो ऑलरेडी मेरे को आने में इधर टाइम लग गया। तो 12 बज के 48 मिनट 48 मिनट हो गए, सॉरी, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो बनाने के लिए, मैं उसका मैसेज ऑलरेडी देखा था। तो भाई मैं बताता हूँ अभी। भाई देखो, मैं इतना अभी 12 बज के 48 मिनट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं अभी तो अपलोड नहीं करूँगा, इसको मैं मॉर्निंग में अपलोड करूँगा, ठीक है। तो भाई आपा करते हैं वीडियो शुरू। तो भाई सबसे पहली बात बता दे रहा हूँ भाई, मैं जो मेरा पुराना कंपनी था, रियल इस्टेट कंपनी था, ओके, कंपनी अच्छा था और कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। उसने बोला कि भाई आपने अपना वीज़ा एक्सटेंड क्यों नहीं किया इस कंपनी में, ठीक है। तो भाई उसके रीज़न भी, मेन रीज़न तो भाई सैलरी का ही है, ठीक है, कि वो जो एम्प्लॉयर उसमें पहले काम कर रहे हैं, सेम मेरे मेरी जो जिस लेवल पे मैं काम करता था, ठीक है। तो अगर जो वो मेरा सैलरी बढ़ाएंगे तो उनका भी सैलरी ऑलरेडी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी कंपनी को बोला कि सर, मेरे को इतना एक्सेप्ट, मेरे को इतना चाहिए सैलरी। तो मैनेजर ने बोला कि भाई इतना सैलरी शायद नहीं देंगे, तो उसकी वजह से। तो फाइनली फिर मैं बात हुआ, कंपनी ने बोला कि भाई आप नहीं जाओ कंपनी से, लेकिन क्या हो, मैं मैनेजर को बोला, मैनेजर ने बोला कि भाई हम लोग इतना सैलरी देंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं देंगे, ठीक है। मैं सीधा बता दे रहा हूँ एकदम सिंपल तरीके से। मेरी कंपनी ने बोला, मैनेजर ने, कि भाई हम आपको इतना सैलरी देंगे, इससे ज़्यादा मीन्स एक बढ़ाया उन लोगों ने, एक इस लेवल से इस लेवल पर लेके गए, बट मैं ऑलरेडी एक कंपनी में इंटरव्यू दे दिया था, दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दे दिया था एक में, ठीक है, तीन में दिया था वैसे, मैं आपको ऑलरेडी बताया था, एक में सेलेक्ट नहीं हुआ था, दो में सेलेक्ट हो गया था। तो मेरे को ये मालूम हो गया कि भाई तेरी कितनी कितने तक तेरे को सैलरी दे सकते हैं दूसरी कंपनी में, ठीक है। तो मैं उसके हिसाब से कंपनी पे डिमांड किया फिर कि सर मेरे को इतना सैलरी चाहिए। और कंपनी ने बोला कि भाई हम इतना नहीं आपको इतना देंगे, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी के दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर था, ठीक है। और मैंने बोला सर इतना तो सर मेरे लिए सूटेबल नहीं, क्योंकि मेरे को दूसरी कंपनी इतने में हायर कर रही है, ठीक है। और हाँ भाई, दूसरी बात मैं बता दे रहा हूँ, हम लोग इधर भाई पैसे कमाने के लिए आए हैं, ठीक है ना। तो भाई जौन सी कंपनी हमको हमको काम करना है कि इधर भी काम करें, ठीक है। सॉरी यार, फ़ोन गिर गया था, ठीक है। तो भाई हम लोग इधर काम करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। कोई आप भाई ऐसी कोई बात नहीं है। वो लड़का बोला था कि आपने एक्सटेंड क्यों नहीं वीज़ा किया, तो भाई कंपनी हमारा अच्छा कंपनी था, सैलरी का कोई इशू नहीं था, टाइम से सैलरी आता था, सब काम एकदम ज़बरदस्त था, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन बस प्रॉब्लम मेरे को क्या आया, मेरे को दूसरी कंपनी सैलरी ज़्यादा दे रही थी, तो मैं उधर निकल गया, बस बाकी कोई बात नहीं है। एंड मैं दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस बनाया और दूसरी कंपनी में ऑलरेडी मैं निकल गया, ठीक है ना। क्योंकि यार मेन पर्पज़ हम लोग इंडिया से आए, किसी भी कंट्री से इधर आ रहे हैं, हम लोग किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी कंट्री, अदरवाइज कोई भी, आप एसी में है, किधर से भी आप इंडिया से आ रहे हैं, नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका, किसी से भी आप आ रहे हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी इधर किस लिए आते हैं, फैमिली क्यों छोड़ के आते हैं, सही है ना। फैमिली को छोड़ा हुआ है, सब काम छोड़े, अपने यार दोस्त सब चीज़ छोड़े हुए हैं उधर, ठीक है ना। और कुछ ने अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ी हुई है, ठीक है। कुबार भाई कोई अपनी वाइफ छोड़ के आता है, बच्चे छोड़ के आते हैं, ठीक है। मैं बीच में वो भी ऐड कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि एकदम क्लियर में बता दे रहा हूँ भाई, फैमिली को मेन बात है भाई, फैमिली, कोई वाइफ को, कोई छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आता है, ठीक है यार। मैं इधर वो देखा जिसकी 2 दिन पहले शादी होती है, लेकिन बेचारा 2 दिन बाद इधर मिलता है हम लोगों को, क्यों आता है वो भाई, पैसे की प्रॉब्लम है ना, इसीलिए आता है ना इधर, नहीं उसके तो कोई थोड़ा किसका दिल करता है भाई, इधर आने किसका दिल करता है, कि भाई मेरा करता है यार। हाँ
हम भी कितना याद आता है फैमिली का, कभी कोई काम नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, देखो 10 10 12 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है। कभी उधर घर वालों ने बोला ना कि भैंस को पानी पिला दे, इसको पानी पिला दे, वो नहीं किया कभी। एक काम करते तो पूरा दिन बोलते थे ये काम किया ना, बस ये काम किया, तो ऐसे थे भाई हम लोग। लेकिन इधर आके काम कर रहे हैं ना, किसका दिल करता है भाई। तो ऑलरेडी भाई हम मेन पर मेन जो मेरा है, हम लोग इधर आए हुए हैं, हम पैसा कमाने के लिए आए हुए हैं, ठीक है ना। दूसरी कंपनी ने मेरे को अच्छा ऑफर दिया कि भाई हम आपको ये, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो गया दुबई का, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम आया था, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था कुछ भी, मेरे को ये मालूम नहीं था भाई। और दूसरी बात, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे जब मैं इंडिया में था, ठीक है। अभी इधर फिर भी बहुत अभी अच्छी हो गई है बोलने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। उस टाइम पे तो भाई हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद कॉलेज में गए, तो इतना तो हम हिंदी में, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो हिंदी से क्या, हमारी साइड में तो भाई बहुत मीन्स इंग्लिश बोलना इतना वो नहीं होता है। वो इधर दो मेरे को टाइम काफ़ी टाइम हो गया दुबई में, ठीक है। तो उसकी वजह से इंग्लिश आने लगा, तो अभी इंटरव्यू क्लियर कर देता हूँ। बोला ना, तीन अभी तक मैं तीन इंटरव्यू दिया, तीन में से दो में सेलेक्ट हो गया, तीसरे में भी रिजेक्ट किया उन लोगों ने। पहले पहले बोला ओके थैंक यू, मेरे को बोल दिया ओके हम आपको कॉल करके बताएंगे, मेरे को बोला कि ओके थैंक यू मैं आपको कॉल करके बताएंगे, ठीक है। और समझ जाओ, अगर जो दुबई में आप आ रहे हो, अगर जो आपको बोला कि ओके ठीक है आपको थैंक यू हम आपको कॉल करके, तो समझो आप रिजेक्ट हो चुके हो, ठीक है ना। सीधी सी बात है, ठीक है। नहीं तो फेस टू फेस बता देते हैं कि भाई आप सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है ना, कि एक दिन या दो दिन या कुछ घंटे बाद आप अपना ऑफर लेटर लेके जाएं, ठीक है ना। तो ऐसा सीन होता है। तो भाई वो लड़का बोल रहा था ना, तो भाई मेन पर मेन ये भाई सैलरी का था, ठीक है ना, बाकी कोई रीज़न नहीं था। कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है ना, कि कोई ये बोले कि भाई कंपनी में उसमें रियल एस्टेट में कोई प्रॉब्लम था, कोई कंपनी अच्छी ज़बरदस्त कंपनी थी, एंड मैनेजर अच्छे थे, सब चीज़ अच्छी थी उधर की, कोई प्रॉब्लम नहीं थी यार उधर, ठीक है ना। बेस्ट कंपनी थी, ठीक है ना। मेरा भी दिल, आपने देखा होगा मैं इसके ऊपर एक कल एक वीडियो अपलोड किया, मैं कल किया आज किया शायद कल किया एक वीडियो अपलोड, और उसके बारे में मेरा लास्ट डे, ठीक है ना। तो अगर जो भाई कंपनी अच्छा नहीं होता तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, कंपनी भाई हमारा ज़बरदस्त था हूँ, ठीक है ना। अभी भी कंपनी पास में ही है मेरे, ठीक है, जिधर मैं रूम लिया हुआ था उसके पास में ही है, बहुत अच्छा कंपनी था। एंड मेन पर्पज़ यही था बस मेरा कि भाई सैलरी मेरे को दूसरी कंपनी में थोड़ा ज़्यादा मिल रहा था, ठीक है ना, और थोड़ा डिफरेंट कुछ ज़्यादा था, और तो उसकी वजह से मैं छोड़ दिया। और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी फिनिश था, तो मैं नोट रिन्यूअल डाला बस, अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट मैं फिनिश किया, उसके बाद मैं दूसरी कंपनी में गया, वही यही सीन था। तो भाई अब इस लड़के का, तो भाई मेरे को उसका कमेंट अच्छा लगा, ठीक है ना, कि भाई आपने कंपनी की अच्छा एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन किया भाई आपने, ठीक है ना। तो भाई बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है ना, कंपनी चेंज करने के लिए, ठीक है ना भाई। मैं नाम भूल गया आपका, ठीक है ना, मैं आपका कमेंट देखा था, मैं आपका देखा था दोपहर के टाइम में, ठीक है ना। मैं सोचा था जब भी कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको मैं कमेंट नहीं किया, मैं जानबूझ के कमेंट नहीं किया, मैं बोला कमेंट कर दूंगा शायद मैं फिर भूल जाऊंगा, सही है ना, तो इसलिए मैं कमेंट नहीं किया। तो भाई मेन पर्पज़ मेरा यह था बस, दूसरी कंपनी में गया मैं, ठीक है। अभी तो भाई मेरे को 1 मंथ हो गया उस कंपनी में, 1 महीना, मेरे को 1 महीना 3 दिन हो गया उस कंपनी में, ठीक है। मैं 10 तारीख को ज्वाइन किया था वो भी पुराना कंपनी, ठीक है, इधर से कैंसिल किया उधर से ज्वाइनिंग किया। तो भाई बाकी तो यही पूरा पूरा सीन था। अगर जो भाई आपका अभी आपका शायद वो क्लियर होगा कि भाई क्यों मैं कंपनी, अभी आपका क्लियर हो गया होगा कि भाई मैं कंपनी क्यों चेंज किया, ठीक है ना। बाकी और कोई रीज़न नहीं था, ठीक है। हम लोग पैसे कमाने के लिए आए इस कंट्री में, या किधर भी जाएंगे पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं, आते हैं किसी भी कंट्री में, तो भाई मेन मेन पर्पज़ है। अगर जो मेरे को वो कंपनी पैसा दे देती जितना मेरे को दूसरी कंपनी दे रही, तो मैं दूसरी कंपनी में नहीं जाता, मैं उसी कंपनी में रहता, ठीक है ना। तो भाई मेन रीज़न मेरा यही था, बाकी कोई रीज़न नहीं था, ठीक है ना। तो भाई अभी मेरे को नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, मेरे आप साउंड से पता लग रहा है आँखों से, ठीक है ना। तो
भाई नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो भाई अगर जो भैया मेरा आप अगर जो मेरे चैनल पर नए हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। अगर जो आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ठीक है, और आपका कोई भी कमेंट हो भाई मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करो, ठीक है भाई। मैं ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जैसे ये लड़का मेरे नाम था उसका ध्यान मैं भूल गया, ठीक है ना, देखूंगा नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा उसका नाम, ठीक है ना। तो आप कमेंट करोगे भाई मैं उसका उधर रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है, उधर रिप्लाई भी करूंगा मैं उसका। और उसके ऊपर अगर आपका क्वेश्चन अच्छा है ना तो मैं उसके ऊपर भाई वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो ओके भाई, मैं वीडियो करता हूँ इधर ही एंड। अगर जो आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी है और भाई ट्रांस गार्ड वाला मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना, मैं ऐड कर दे रहा हूँ। लड़के ने पूछा था ट्रांस गार्ड के बारे में, ठीक है ना, तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। अभी तक मैं दो लड़कों से दो आदमी से मिला, उनसे पता किया, लेकिन मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो कल मैं टाइम निकाल के अपना एक दो आदमी से और पता करता हूँ, ठीक है ना, ट्रांस गार्ड वाले से तो क्या है तो उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो भाई ओके, मैं वीडियो करता हूँ इधर ही एंड। आपको कोई भी क्वेश्चन हो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो ओके भाई, मेरे को आ रही है नींद अभी, ठीक है। और अगर जो भाई उस लड़के जो भी बात थी उसको क्लियर हो गई होगी, और मेरे को आ रही है नींद अभी भाई बहुत ज़्यादा, ठीक है, रात का 1 बज गया, ठीक है। मॉर्निंग मेरे को ड्यूटी पे जाना है फिर, और क्योंकि भाई अभी ड्राइविंग करनी होती है, नींद तो थोड़ा लेना ही पड़ता है। वैसे मैं 2 दिन तक जाग सकता हूँ, अभी दुबई में मेरे ये हैबिट हो चुकी है, ठीक है ना। और कोई भी आपके क्वेश्चन है मेरे वीडियो के नीचे, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, कमेंट कीजिए। ओके भाई, वीडियो को मेरा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, यार लाइक बहुत कम कर रहे हैं आप लोग, लाइक कीजिए, ठीक है। ओके, मैं वीडियो करते हुए, ओके भाई, मेरे को नींद आ रही है, ओके, गुड बाय।